एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोगों को? तो बहुत अच्छे होंगे। शादी से पूरी तरह से फ्री नहीं हुए हैं। अब लास्ट फंक्शन जो है आज है। फंक्शन क्या, आज जैसे जैसे होता है हर किसी की यहाँ पे की शादी के बाद कथा होती है, तो यहाँ पे आज हमारे घर में सत्यनारायण की कथा है। तो कथा जो शुरू हो गई है, जैसे कि आपने देखा कि मेरे टीका भी लग चुका है, ठीक है। और ज़्यादा भी लोग फ़िलहाल नहीं, अभी कोई आया, देखो कितना कब तक आते हैं। ज़्यादा लोगों की गैदरिंग आज नहीं है, बट आज लास्ट डे है। शायद मैं भी आज घर चली जाऊँ, आज जाऊँ या कल मॉर्निंग में जाऊँ, पता नहीं है अभी मुझे। और जैसे जैसे जो होता रहता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ब्राइडल से भी मिल, दुल्हन को तो आपने देख ही लिया है ना पहले ही सब कुछ। तो चलो फिर पहले कथा को भी देख लो, कथा को भी सुन लो, थोड़ा पुण्य आप लोग भी कमा लो। हाय, हम तो है सभी देवताओं का ध्यान करना, सबसे पहले अपने इष्ट देव पर ध्यान। ओम मैं देवता देव ध्यानम सर्व व्यामे नमः व्यामे नमः सर्व व्यामे नमः सर्व व्यामे नमः जगदम्बे ध्यानम आचार्य नमः राम के ध्यानम सर्व व्यामे नमः दुर्गा देवी ध्यानम। ओम सर्व देवाय ध्यानम सर्व व्यामे नमः स्तुति नमो नमः। अब मैंने अभय जी का ध्यान करना। ओम गंगानाथाय ध्यानम गजाननम भूतगणाधि सहितम कपितजम बलदारोचन। जहाँ भगवानी लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे और मुझे वहाँ जाकर सत्यनारायण भगवान का प्रसाद को लेना चाहिए, ये वापस वहीं पहुँचा, ग्वालों के पास पहुँचा। पहले तो इसने बड़े प्यार से सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया, फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा करी और बड़ी श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लिया, जिसकी वजह से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और सारे जो उसके 100 पुत्र था राज इसे दोबारा वापस मिल गया। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण ये था हमारा छोटा सा बोलूँगी मैं व्लॉग, जो कि अब आरती के साथ समापन हुआ है। व्लॉग के एक्चुअली मैंने और भी काफ़ी सारी क्लिप्स जो है बना रखी थी, पर इस वक्त मुझे कोई भी क्लिप्स कहीं पे भी नहीं मिल रही, आई थिंक सब मुझसे डिलीट हो चुकी है। तो छोटा सा हमारा कथा का, सत्यनारायण की कथा के व्लॉग कैसा लगा?